अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया। देर शाम केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने 1 अगस्त को ये टिप्पणी की थी कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर दलित सांसदों ने पीएम से मिलकर अपनी चिंता जताई। 9 अगस्त की शाम में कैबिनेट मीटिंग हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनडीए सरकार बीआर अंबेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है। इस संविधान में SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं। भाजपा के ओडिशा से लोकसभा सांसद रविंद्र नारायण बेहरा ने भास्कर को बताया कि सभी सांसदों ने एक स्वर से पीएम से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू मत करिए। इस पर पीएम ने आश्वस्त किया है कि SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को नहीं लाया जाएगा। बेहरा के अनुसार पीएम ने कहा है कि सरकार फैसले का अध्ययन कर रही, क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं सुझाव है। सांसद ब्रजलाल और डॉक्टर सिकंदर कुमार ने भी कहा है कि हमारी चिंताओं पर प्रधानमंत्री ने कहा वो सांसदों की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटते हुए कहा था राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं। साजिशों की बेंच में शामिल जस्टिस बीआर गवई ने कहा था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।